बता दिया मैंने, ऐतराज बोलिए। हदीस भी पढ़ दी आपके सामने, यार अब क्या किया जाए इनका। हाँ मैंने कुछ नहीं किया हदीस जाए, मैं भी रख जवाब दी दे तो है, रहा हूं मैंने तुम्हें। अपना, हाँ तो दे दीजिए ना, ऐतराज मैंने रख दिया है कि मोहम्मद साहब ने लालच देकर क्यों ये सहारा लिया है, लालच का सहारा क्यों लिया है। अच्छा देखिए, लालच की ऐसी बात है तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने के पीछे जो इन्हें तुम ईसाई मानते हो, क्रिश्चियन खुदा मानते हो, हेलो खुदा का बेटा मानते हो, तो उन्होंने लालच क्यों दिया था जब फिरौन की फौज उनके पीछे पड़ी थी? सुना बाइबल का वो किस्सा तुमने अपना, कि नहीं, मूसा ने मारी बाइबल, छड़ी पानी पर, एक समंदर मिनट एक समंदर मिनट एक मिनट समंदर एक मिनट समंदर के एक दो टुकड़े हो गए मिनट उनपे से, तो उन्हें क्या लालच था? भाई, मूसा ने क्या किया, ईसाइयत में क्या है, जुडाइज्म में क्या है, हिंदुइज्म में क्या है, ये सवाल नहीं है। सवाल मोहम्मद साहब ने जो किया है, काम किया है, उस पर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पर क्या जवाब है वो बताइए। यही प्रॉब्लम हो जाता है आप जैसे लोगों के साथ, और ये मैं बार बार कहता हूं कि आप इस्लाम को स्टैंड अलोन कभी उसका दिफा कर ही नहीं सकते, आप उसको अच्छा और सच्चा भी साबित कर ही नहीं सकते। आप मूसा ने क्या लालच दिया, किसी और रिलीजन में क्या लालच दिया गया, उसको आप यहाँ डिस्कस ना करिए, उस चैनल पे जाके जो वो उस रिलीजन का चैनल हो वहां पे जाके आप सवाल करिए। मोहम्मद साहब ने क्यों लालच दिया नए मुसलमान को इस्लाम में रखने के लिए, आप उसका जवाब दीजिए। आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज। मेरी सुनेंगे सर जी? हेलो हेलो, मोहम्मद साहब पे रह के बात करिए आप। मैं इस सवाल का जवाब दूं? जी, आपकी आवाज आ रही है हाँ ठीक है, बैनर, मोहम्मद साहब पे रह के बात करता हूँ, मोहम्मद साहब के मोहम्मद पे रसूल रहिएगा, सल्लल्लाहु आपको। अलैहि वसल्लम। ठीक जी है मैं इन पे रह के बात करता हूँ। हाँ अदरवाइज कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इन्हीं पे रह के बात करूंगा। ठीक है सुनिए, हेलो सुनिए सर जी, क्या हुआ सर जी को? हेलो साहिल भाई, अबे यार तुम सुनाओ ना, सुन रहे हैं ना, आगे आ रही है लो, आपकी सुन लो, आवाज मतलब आगे जनाब, चुप कर लो बोलिए। और अब मैं बात करूंगा। अब वो चुप ठीक है, करके आप बैठा लोग है तो खामोश भाई हो बात जाते सुन हैं तो रहा मुझे डर है लगने लगता है। यार। भाई सुनो नहीं यार, आप तुम लोग सुनो, खामोश हो जाते एक हैं चीज तो सुनो, मुझे डर लगने लगता है, कहीं हाथ तो नहीं गए स्ट्रीम छोड़ के। अरे अम्मा सुनो सुनो, अब तुम सुनो जरा, चुप करके सुनो। सुनो का मतलब होता है जब कोई अल्लाह कहता है सुनो, मुझे सुनो लगता है कि यार, डर इसको तो नहीं म्यूट लगता, करना कहीं हाथ तो जरा नहीं जाओगे स्ट्रीम छोड़ के? साहिल, इसको म्यूट करना जरा एक सेकंड के लिए, किसको? मैं अपनी बात अरे रखूं। डर गया क्या भाई तू? साहिल जरा इसे डर म्यूट करना, मैं गया? अपनी बात रखूं। ओके अरे सुनो, से डर गया मेरे अबे भाई। सुन यार, सुन ले जरा, सुन ले, सुन अरे तो मेरी मेरी बात ले यार सुन साहिल, ले जरा इसको भाई। 1 मिनट के लिए म्यूट कर ताकि मैं इसको समझाऊं लाइव स्ट्रीम कहते किसे। ओके सुनो, जब अगला कहते हैं ना सुनो, तो नहीं, लाइव स्ट्रीम का असूल ये होता है म्यूट कि म्यूट म्यूट बाकी। से ये नहीं मानेंगे, इसके लिए मैंने थोड़ा रिमूव किया है, आप अपनी बात ओके थैंक रखो। यू यार, लाइव स्ट्रीम जो होती है वो फिजिकल फेस टू फेस बात नहीं होती, लिहाजा आपको नहीं पता लगता अगला किस वक्त कहने लगा। जब आपने कहा ना सुनो, तो इसका मतलब है बाकी सारे चुप कर जाएं। अब जब हम चुप करके बैठे हुए हैं तो आप सुनो 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 बोलते जा रहे हो, अपनी बात नहीं रख रहे। तो भाई अपनी बात रखो ताकि उसके बाद हम अपनी बात करें। भाग जाओ, ये कर जाओ, वो कर जाओ, तुम्हारा ख्याल है कि हम लोग अपना चैनल बंद करके तुम्हें चैनल पे छोड़ के खुद भाग जाएंगे? दिमाग खराब है तुम्हारा यार, क्या पागल कुत्ते ने काट लिया तुम्हें? यानी तुम लोग भाग नहीं जाओगे कोई नहीं, कोई यार, कोई तुम नहीं कोई यार नहीं, कसम से, अब नहीं तुम्हें नहीं पता कोई लग कोई गया। मुश्किल नहीं, हाँ हम अब इनको इनको, मौका देते हैं एडम, इनको दे मौका देते, मौका, लेकिन ये अपनी बात मोहम्मद साहब तक रखे। ठीक है, मैं इनको मौका दे रहा हूं। जी अन्नू हाँ खान साहब, आप तो भाई अपनी अपना आर्ग्यूमेंट पेश करिए इस पे। जी, बिल्कुल पेश कर। इसका रावी कौन है हदीस का, बताएंगे? सही मुस्लिम की हदीस है हेलो, जनाब, ये इसका रावी कौन है सर सही जी? सही मुस्लिम की हदीस है। हाँ बताइए इसका रावी, ये ये जो देखिए जईफ है, कि जो आपके मुस्तनद सामने हदीस से स्क्रीन पर नहीं है। है। हाँ बिल्कुल, अनस बिन मालिक ये रावी है ना इसके, अनस बिन मालिक जो है इसके रावी है। ठीक है बेटा, तुम कुरान को हदीसों को इतनी गहराई से नहीं समझते जितनी तुम्हारी उम्र है ना बेटा, पच्चीस नहीं, देखो छब्बीस यार, ये चौबीस तरीके से बीस जो भी है, ये लेकिन जरा अन्नू खान साहब, उम्र ये को जरा एक बेटा कसम वाले नहीं सीन है, बयान कर सकते तुम अन्नू कुरान की। यार अन्नू तुम हदीस क्या बयान करोगे?
तुम एक अनु जुमले की तफसीर नहीं बयान कर सकते अपनी खान पूरी साहब, देखिए जिंदगी ये आपका गलत अंदाज है। अनु खान साहब, ये बड़ा ही गलत तरीका है। आप अपनी बात जो है दलाइल की रोशनी में, अपने अच्छे आर्ग्यूमेंट सके, इस तरीके से बात ना करें ना। अब आप ऐसे बात करोगे, अगर एडम आपको उसी तरीके से जवाब देगा तो फिर आप कहोगे कि यार ये गलत कहता है। ऐसे ना करो ना, प्लीज अच्छे से अपनी आर्ग्यूमेंट रखिए। सही मुस्लिम की हदीस है आपके सामने है, आपको उस पर क्या कहना है, आपका क्या देखिए। आर्ग्यूमेंट है, प्लीज वो बताइए आप। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो माले गनीमत का जो भी हिस्सा दिया उनको, ठीक है ना, उस हिस्से का मतलब ये था, आपका ना ही गलत तरीका है इसको सोचने का, उसका हिस्से का मतलब ये है कि वो इस हिस्से को अपने मतलब जो है खर्च में और खराजात में लें, ना कि उन। और तुमने वो हदीस नहीं सुनी कि जाओ जंगों पर तो बच्चों और औरतों को छोड़ दो, जिनसे जंग है उससे जंग करो, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम वो हदीसें बयान नहीं करते हो कि मैं जिस गली से गुजरता हूँ उस गली में एक औरत उनके ऊपर कूड़ा डाला करती थी, ठीक है, उसको आप कितना सहन, तुम उन हदीसों को बयान नहीं करते हो, ये हदीस उन दे दे, हदीसों को एक भी सेकंड लेके ये आओ हदीस अपनी दे दे स्क्रिप्ट पर, प्लीज बताओ प्लीज। नबी हाँ हाँ ये पाक दीज दे, सल्लल्लाहु मैं अलैहि अभी वसल्लम के देख रहा अखलाक के था। बारे में बताओ, दोबारा एक सेकंड अभी, गूगल अनु खान साहब सुनो, वाली हदीस दे, मैं भी दिखाऊंगा। एक सेकंड, ये वाली हदीस दे, एक अभी अभी मिनट साहिल दिखाएगा। इस हदीस का लिंक दे दे, नबी पाक कूड़ा फेंकती थी नबी पाक के ऊपर, उस हदीस ठीक का है लिंक दे। तुम्हारा। सही मुस्लिम, सही अरे बुखारी, यार सुनन अबी तू अपना दाऊद पहली बात तू अपना से लिंक दे। देख अभी सुन, अभी स्क्रीन पर दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे लिंक दे। अच्छा एडम एक मिनट, इनको मैंने रिमूव किया क्योंकि ये अभी बीच में बोलेंगे, मैं इनको फिर से लेने वाला हूं। अच्छा अभी सही मुस्लिम पे ये हमें सवाल कर रहे थे कि रावी कौन है, तुमको हदीसें समझ में नहीं आती, जिससे ये समझ में आ रहा था मुझे कि ये बहुत बड़े मुहद्दिस है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा, लेकिन जब इन्होंने कूड़े फेंकने नहीं, सही वाली में बात बताइएगा। जब नहीं नहीं की नहीं नहीं तो बताइएगा, मुझे नहीं लगा ये बताइएगा, मुहदिस, ठीक नहीं बताए, नहीं बताए, अभी नहीं बताए सर, अभी नहीं है। बताए। हेलो, मुझे पता है आप क्या कहना चाह रहे जी हैं, और हमारे व्यूवर जो हमें सुनते हैं अरे उन्हें भी पता है आप क्या कहने वाले हैं। मैं सुनिए, चाहता हूं कि ये हमें उसका लिंक दें, किसी भी किताबु सित्ता में से, ताकि हम रेफरेंस दे स्क्रीन पे दिए। उसको दिखा सके। हाँ हाँ सिया सत्ता में से दूंगा सर जी, मैं आपको दें, लिंक दूंगा सिया ठीक है, सत्ता में, दे सात दीजिए, किताबों को मुतल्लिक तो सुन क्या बोलाते हैं, जी दे फिरका दीजिए, दे परस्ती मैं दे नहीं जानता, तो जाहिल दे मुसलमानों से बात कर रहे थे मेरे भाई, बिल्कुल। भाईजान, दे देना यार, बात ना करें, लिंक दे दे। और सुनो ठीक है एडम जी सुन लो, यार, सुनाना नहीं है, बाद में आप सुनेंगे, पहले आप लिंक दे दें प्लीज। मेरे हाँ प्यारे ये जो भाई, साहिल भाई एस मेरे मुस्लिम, भाई, मैं साहिल आपसे जो नाम विनती लिखा करता है हूँ, ना, भाई मैं आपसे विनती करता हूँ, उसका लिंक दे दें पहले, ताकि फिर हम आगे बात कर बिल्कुल सकें। दूंगा दे पहले। सकते नहीं, डर के मत भागिए, नहीं डर नहीं के डर मत के भागिए सर जी, यार, डर हम डर अब अपने चैनल से नहीं भाग के जा सकते भाई, हम आपको अपने चैनल पे छोड़ के ना तो भाग सर के चले जाएंगे भाई। हमें लिंक रिमूव दे मत दें, करिए डर, और हम इस मैं हदीस का रावी बताइए जो आप मन घड़त सर, एडिटिंग करके आप हदीसें बयान पहले, करते सर हैं, आप पहले लिंक दे दें प्लीज, उस हदीस का जो आपने कहा है कि बिल्कुल हमें दिखानी बिल्कुल चाहिए। सर जी बिल्कुल। और ये एक्स मुस्लिम साहिल जो है ना, साहिल का मतलब है किनारा, इस हाय साहिल हाय नाम का मतलब हटाइए, यार काफिर यार, लिख दो उसके नाम के आगे, साहिल साहब ये देखे जरा, गेम क्या हो रही है, अब देखे बोली जाएंगे, अब एक्स क्या है, हम मुस्लिम तो आपकी साहिल लिखा है ना, एक्स मुस्लिम साहिल, तो साहिल हटा दे बेटा, तेरे नाम के आगे अच्छा नहीं लगता साहिल, तू ओए मुस्लिम ओए वर्ड यूज मत ओए कर। ओए बेटे, ओए बेटे, कुछ लग दे, रुक जा रुक जा। आपने कहा अरे है रुकने को कि तू क्या हमें, उखाड़ेगा यार, यार तू किससे बात रुको कर तो रहा है, सही, और रुक तो तेरा यूट्यूब सही, चैनल बंद करा दूंगा मैं, अमा जानता है रुकता हूँ किससे बात तो, कर रहा है तू। अमा यार करवा देना यार, यूट्यूब चैनल तो बंद अरे सुन करवाएगा। ये सब, अच्छा अबे सुन, हाँ मुझे बात पता है तेरे सुन, यहूदी, अच्छा बात सुन, बात पूरा सुन, बात सुन, यहूदियों का बात सुन, प्रोपगंडा है ये बात चला सुन, हुआ, अमा बात सुन ले, तेरा तू चैनल बंद नहीं ऐसा होगा, कर, तू ऐसा कर, सुन तू ये मेरा यहूदियों का यार, प्रोपगंडा जो चला हुआ है ना तेरा, इसको जरा पॉज कर, जरा एक सुन सेकंड, ताकि मैं बात अबे जो करूं। तेरा गूगल का ऑनरल बैठा ना यहूदी, अमा अमा बात सुन ले, सब तुझे यहूदी है अच्छा टोटल, लगेगा, अमा और बात तुम तो यहूद सुन ले। अर्तुगुल गाजी देखता नहीं था, अर्तुगुल गाजी देखता है, जा उसे बंद करा के हाँ दिखा देखता, पहले। हाँ देखता हूँ अर्तुगरुल गाजी, अबे कैसे ईसाइयों की धज्जी उड़ा रहा है वो, बिल्कुल देखता नहीं है मैं देखता हूँ। अच्छा कितना चलो कितना अब मैं, खुलेआम दिखाते हैं वो मारदा, तो बंद करा के देखा हाँ तुर्की को, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तुर्की बिल्कुल के देखा उस ड्रामे सीरियल को बंद करा देखा, सर। मैं क्यों बंद कराऊं तुर्की के उस ड्रामे सीरियल को बंद करा के सर, देखा, मैं क्यों बंद कराऊं, वो तो मेरे हक में तो है। बात सुन ये, तू छुप के एक बात कर रहा सेकेंड है, एक तू तू सेकेंड हिजड़ों की तरह एक छुप के सेकेंड, बात कर रहा है, पहले मेरी बात अम्मा सुन, यार तू अल्लाह तू चेहरा हिजड़ों नहीं की दिखा तरह रहा, नहीं तुझे बात करता है, अल्लाह हिजड़ों डर का नहीं है, दिखाता,
अल्लाह चेहरा नहीं दिखाता भाई, वो अरे झूठ मेरे की तरह झूठ के भाई, बात कर रहा है। अल्लाह को तो अल्लाह अल्लाह ने कभी लामहदूद, चेहरा अल्लाह की दिखाया? आवाज ही नहीं आती। अल्लाह लामहदूद है, पहले पहले अल्लाह ने कभी डेफिनेशन सुन, चेहरा अल्लाह की, दिखाया? अल्लाह की अल्लाह ने कभी डेफिनेशन चेहरा सुन, दिखाया? अल्लाह लामहदूद अच्छा है। सुन अरे यार, अब सुन तो लिया अबे, करके खुद ही बोर हो हम जाएगा। मुसलमान हैं, मुसलमान, और पता है अबे तुम हमें मुसलमान मुसलमान, हम हो, जो काम करते हैं अम्मा सुन्नत पता है ठोक यार के, तुम समझ मुसलमान हो। गया? अब मैं तुम्हें बोलूं कुछ, हाँ, ईमान की अम्मा रोशनी में सुन तेरे लेना तरह यार, यहूदी नहीं है। वो अम्मा एक्स सुन तो मुस्लिम ले, साहिल बैठा अम्मा है ना, सुन तो वो ले, काफिर, अम्मा सुन तो सही, तू तेरे चैनल सुनेगा पे नहीं, उसे खुद कुछ अम्मा नहीं सुन तो पता, सही, वो अम्मा जाहिल सुनेगा आदमी। या बोल ही जाएगा, सुनेगा सुना सुना सुना, कि बोल ही चल जाएगा। बोल ओके, बड़ी मेहरबानी कि आपने बोल इजाजत बोल। दी। अच्छा, अर्थगुल को मैं क्यों बंद कराऊं? अर्थगुल दिखा रहा है कि मुसलमान लोग टर्की वाले उस वक्त कितने बेगैरत और हरामी थे कि उन्होंने क्रिश्चियनों की औरतों हाँ और बच्चियों को पकड़ के कनीजे बनाया और उनको बगैर शादी के जिना किया। इससे ज्यादा हरामी पना मैं खुद भी नहीं दिखा सकता जो अर्थगुल ड्रामे में दिखा रहे हैं। तो मैं उसको क्यों बंद कराना चाहूंगा? वो तो मेरे हक में है, वो तो असल इस्लाम को दिखा रहा है, तो मैं उसको क्यों बंद कराऊंगा? नंबर एक। नंबर दूसरी बात, तुमने कहा तुम मेरे चैनल को बंद करा सकते हो। मेरे चैनल का नाम है एडम सीचर। अगर तुम्हारे अंदर इतना पानी है, अगले 24 घंटे में मेरे चैनल को हाँ बंद करा के दिखा, पता लगेगा कि तेरे पानी है, वरना तू एक झूठा है। दूसरी बात साबित करूंगा मैं कल आके अपने चैनल पे, अगर वो बंद ना ठीक हुआ। तीसरी बात, तूने कहा कि ये यहूदी है साहिल, साहिल यहूदी अगर हाँ है बिल्कुल तो साबित बिल्कुल करके दिखा यही। के। यार सब्र लेना, बकवास करी जाएगा, सुनेगा नहीं अगले की अब तो सुनेगा नहीं, तो बोल कैसे रहा, पता अब तो लगेगा? तो सब्र लेना, तुझे क्या समझाया था? बोल जब तेरे अगला मुंह कहता है से। ना, जब अगला कहता है ना सुनो, तो इसका मतलब होता है कि दूसरे ने अब चुप करना है, ये अरे मुझे ये असूल है। फिलोसफी मत समझा, तो बता। हाँ ठीक अब सब्र लेना, अब सब्र ले। क्या हुआ, है, बोल क्या बोल हुआ? सांप बोल कहाँ पे बोल। घुस रहा तेरे? सब्र ले। अरे ओके, मुझे तो बोलना, मैं अब फिर तेरे लग बोली से जा तेरी रहा है, फिर बोली जा रहा है, सब्र ले, रिलैक्स हो। जान ओके, फिर बोलेगी, बोल बोल दिया, अभी मैं बोलना शुरू नहीं हुआ फिर बीच में बोल दिया। क्या तेरे मोहम्मद ने यही तुझे सिखाया कि इस तरीके से बकवास ये करनी होती है? साइकिल सब्र ले, बोल बोल। फिर बोला, फिर बोला, फिर बोला, सुकून ले, सुकून ले। ओके, तो मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर अगले 24 घंटों मेरा चैनल बंद ना हुआ, तो परसों मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा, तेरी यही बातें दोहराऊंगा, और वहां पे तुझे और तेरे मोहम्मद को और तेरे अल्लाह को पूरे तरीके से एक्सपोज करूंगा, क्योंकि कुछ नहीं कर सके तुम तीनों ठीक मिलके। तीसरी बात, तुमने कहा कि मैं ठीक ठीक पर्दे में ठीक हूँ, आप सुन, लिहाजा मैंने तुम्हें बताया सब्र का, तेरी सारी अरे बातों एक का बार जवाब सुन, देना है, वरना बात छोटी रखा कर, सब्र ले। उसके ये बाद सब तुमने मत बोलिए। कहा कि मैं पर्दे में हूँ, तो मैंने अरे सुन, तुझे ये सब कहा मत अल्लाह पर्दे में बोलिए, रहता है, फिर बोली जा रहा है, ये फिर सब बोली मत जा रहा है। बोलिए। जब तूने 10 बातें की हैं, तो मुझे भी 10 बातों का जवाब देना। सब्र ले, अरे हर बात का जवाब देगा तू? नहीं, यार वरना पागल, बात ठेक छोटी की यार, अगर, चुप चुप, बात छोटी ये कर सब दी मत अगर, वरना फिर बोलिए। पूरी बातों का जवाब ले। सब्र अभी नहीं बोल मैडम सकता, अभी बोल नहीं बोलेगा तू जब बोल तक तेरी बोल, सारी बातों का जवाब नहीं दूंगा हाँ मैं, नहीं बोलेगा तू। तेरा ओके, तेरा नहीं स्ट्रीम बोलेगा, चैनल नहीं सब्र बोलूंगा ले, मैं, सब्र ले, सब सब्र बोल ले, मेरे बोल बोल तीसरी बात का जवाब बोल। लेने दे। ओके, हाँ तूने बोल, क्या, मैंने तुझे बोला अल्लाह पर्दे में रहता है, क्या अल्लाह पर्दे में हाँ रहता ठीक है या है, अल्लाह पर्दे में नहीं रहता? अगर अल्लाह पर्दे में रहता है, तो अल्लाह भी फिर हिजरा हुआ, क्योंकि तूने हाँ मुझे हिजरा बोला, या अगर अल्लाह हिजरा नहीं तो फिर मैं भी ठीक, हिजरा नहीं। अल्लाह अगर ताकतवर है, तो बोल मैं बोल भी बोल, उतना ही ताकतवर हूँ, क्योंकि मैं पर्दे में रहता हूँ। तो मेरे सामने इस ठीक है, किस्म की हाँ बात करने से पहले 10 दफा सोचा करो कि तुमने क्या ठीक कहना है, अब है। बोलो। मैं तेरा बात, अल्लाह की बात सुन, अब अल्लाह का जवाब सुन। अल्लाह जिस्म के अच्छा, साथ तू में, मेरा, अल्लाह तूने लामहदूद क्या है, ना बोला, हिजड़ा तूने क्या मुसलमान बोला? ना नहीं, पहले तूने इंसान क्या जन्नत नहीं बोला? क्या सकता। अबे तेरा बाप नहीं बोला? है, सुन, हाँ तेरा बाप बोला, हूँ, सुन, अल्लाह जो है तेरा बाप है जिस्म के साथ नहीं है, यार, अल्लाह तूने जो है बोला। लामहदूद है, पहले अच्छा सुन, साहिल साहब, अल्लाह ना हिजड़ा हो ठीक है। सकता, अच्छा ना अच्छा हिजड़ा ये हो, ना इंसान हो सकता। देखो ना, अच्छा तेजी से बता। एडम, क्यों, मुझे ये बताइए बंद करना एडम चाहिए थे आप? कि, हाँ ये थोड़ा कनेक्शन इश्यू हो गया था मेरा, मुझे ये बताइए एडम कि इन्होंने वो कूड़ा फेंकने वाली हदीस पेश की, नहीं क्या सर, इनके नहीं किए बस की सर, बात नहीं? इनके बस की बात नहीं। एक और काम कीजिएगा, स्ट्रीम में अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो एक आधे को हटाइएगा, मैंने अब दूसरे वाली जगह से आना है ताकि मेरी आवाज सही हो। अच्छा